लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में खेली होली। राजस्थान राज्य के कोटा संभाग भर में आप कार्यकर्ताओं ने पंजाब जीत की खुशी पर रैली निकालकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर फूलों से होली खेली है। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए सोहन सैन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। देख सकते हैं किस कदर से उनमें खुशी का आभास हो रहा है और चलते हैं। हार के बिना पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम पर वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है और धर्म और जाति की राजनीति करने वालों को नकार दिया है। आगे चलते जी, आप उत्कर्ष उत्कर्ष, आपने जो मथुरा में जो यात्रा की थी और भगवान श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की थी, हमने कई सारे वीडियो वायरल हुए आपके देखा था, तो क्या मन्नत थी कि आप यहाँ पे रैली मना रहे हैं? देखिए, जब मैं पिछले महीने 20 फरवरी के दिन गिरिराज जी परिक्रमा लगा रहा था तो लगातार मेरे मन में भाव आ रहा था कि पूरे पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने का मन बना चुकी है। लेकिन हम जानते हैं कि हम जिनसे भिड़ रहे हैं, जिनसे लड़ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस अकाली दल जैसे पुराने पापी पुरानी पार्टियां जिनका पास धनबल बाहुबल बहुत ज़्यादा है, अगर आम आदमी पार्टी के पास कुछ है तो उसका आत्मबल, उस आत्मबल की ताकत को और बड़ा करने के लिए गिरिराज जी की परिक्रमा करने गया था, उनकी चरणों में गया था और उनसे मेरी लगातार यही प्रार्थना थी कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में पूरी पंजाब की जनता वोट करे, आम आदमी पार्टी के पक्ष में पूरी पंजाब की जनता समर्थन दे और एक नया पंजाब रंगला पंजाब बनाए। मुझे लगता है कि 21 किलोमीटर की नंगे पैर जो परिक्रमा लगाई उसके बाद जो मेरे पैरों में दर्द हुआ, मेरे पैरों में छाले हुए, वो सारा दर्द आज खत्म हो चुका है। आदमी बहुत प्रसन्नता, इनका उत्कर्ष का जो गिरिराज जी के परिक्रमा लगाई थी, इनका कहना है कि मेरा जो दर्द था, जो छाले थे, फफोले जो पैरों में पड़े थे, मैंने जो सच्चे हृदय से जो मन्नत मांगी थी भगवंत मान के लिए पंजाब में, आज इनकी मेहनत है जो रंग लाई है और इनका कहना है कि आज मेरा वाकई जो दर्द है, अभी भी जो मेरे पैरों में घाव है, फफोले है, आज मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है और हम चलते हैं जी, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है जो नारे यहाँ पे गुंजायमान हो रहे हैं। आज आम जनता के लिए, हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व के लिए बड़े गर्व की बात है कि आम आदमी प्रचंड बहुमत से दिल्ली की तरह जीत हुई है। जैसे दिल्ली में आम जनता ने 70 में से 67 जीते दी के आम आदमी की ताकत को मजबूत किया था, वैसे ही पंजाब की जनता ने भी आवाज को मजबूत किया है। अब इन भाजपा और कांग्रेस वालों को समझ लेना चाहिए कि आम आदमी की ताकत क्या होती है, इसलिए एक गर्व की बात है और आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। भाजपा और कांग्रेस के बाद हिंदुस्तान में ऐसी दूसरी पार्टी है जिसकी 3-2 राज्यों में सरकार होगी, आम आदमी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और अब इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म होगा। केजरीवाल ने काम करके दिखाए हैं, ये अपने कामों की वजह से ही पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना 92 सीट लेकर आई है, पूर्ण बहुमत से जनता ने वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। राजस्थान में भी मेरे को पूरा विश्वास है क्योंकि यहां पर हमारे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, पर कार्यकर्ता जनता के हर मुद्दे पर काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का हो, चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे हो, और इस बार मेरे को पूरा विश्वास है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपना पूरा संगठन मजबूत करते हुए पूरे दावे के साथ पूरे सभी 200 सीटों पर लड़ेगी और अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता जानती है कि वो बीजेपी से और कांग्रेस से दोनों से तंग आ चुकी है, वो विकल्प चाह रही है। आज आम आदमी पार्टी इस स्थिति में है कि वो उसको विकल्प दे सके, इसलिए आम आदमी पार्टी का विकल्प हमारा तैयार है, हम संगठन पर काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम पूरे संगठन के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, पूरे दावे के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार जनता हमें समझेगी और हमें पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं डॉक्टर आरती गर्ग, महिला प्रदेश शक्ति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन प्रभारी।